आईन तरमीम के लिए नंबर गेम का चैलेंज, पार्लिमानी राहदारियों में आनिया जानिया। वफाकी काबीना और सनेट इजलास के वक्त में दोबारा रद्दोबदल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नाश्ता जहराने में तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो वफ़द समेत मौलाना फजल रहमान के पास पहुँच गए। मुलाकात में अख्तर मेंगल भी मौजूद। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सूतमंद पीटीआई के 5 रुकनी वफ़द को बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर, असद कैसर और हामिद रजा अडियाला जेल रवाना। इससे पहले जेल इंतजामिया ने सलमान अकरम राजा और हामिद रजा को मुलाकात की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नंबर्स पूरे हैं, इजलासों में ताखिर की वजह इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश है। लीगी सेनेटर फान सिद्दीकी कहते हैं इत्तफाक राय की आखिरी कोशिश हो रही है, मुसवदा काबीना से मंजूर हो जाए तो सेनेट में आ जाएगा। गेम शुरू हो चुकी है, गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद का कहना है कि सीटी बजने वाली है, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आईन में छेड़छाड़ कर रही है। हाफिज नईमुल रहमान के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौम तशवीश में है, पीटीआई और जेयूआई आरकान पर दबाव की शिकायत कर रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। कराची के इलाके ली मार्केट में रिहायशी फ्लैट से 4 खवातीन की गलती लाश बरामद। शनाख्त 18 साल मदीहा, 19 साल आयशा, 50 साल शहनाज और 12 साल अलीना के नाम से हो गई। साहब खाना 2 बेटों समेत गिरफ्तार। मुल्तान में आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान धमाका, जहां बाक अफराद की तादाद 4 हो गई, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू अहलकारों ने इलाका क्लियर कर दिया। मीरपुर खास हैदराबाद रोड पर तेज रफ्तार कोच में मोटरसाइकिल को कुचल दिया, 2 अफराद जहां बहा, लाशें अस्पताल मुंतकल कर दी गई। हिजबुल्लाह का तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के रिहायशगाह पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के घर में कोई मौजूद नहीं था।